दोस्तों ये थंबनेल कोई फेक नहीं है, अगर वीडियो के अनुसार अगर आपका नेम है तो आप सही हैं, अगर वीडियो के अनुसार नहीं है तो आपका नेम सही नहीं है, तब तो आपको यह वीडियो ज़रूर देखना चाहिए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अनुराग फिक्शन। तो आज मैं इस वीडियो में बात करने वाला हूँ, देख लीजिए थंबनेल मैंने यहाँ पर भी लगा रखा है, इट इज़ हाउ टू फाइंड प्रीमियम नेम। तो यार वीडियो थोड़ा सा लंबा होने वाला है, लेकिन मैं इसके बारे में आपको पूरा डिटेल्स दूंगा और मैंने अपना नाम कैसे फाइंड किया ये भी मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले चलिए मैं देखता हूँ कि मैं इसके हकदार हूँ कि नहीं। तो चलिए आप भी देखिए कि मैं यह बताने लायक हूँ कि नहीं कि हाउ टू फाइंड प्रीमियम नेम। तो सबसे पहले इसके लिए तो यार पहले आपको मेरा प्रोफाइल आपको देखना पड़ेगा, तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। तो देखिए यहाँ पर मेरा प्रोफाइल, तो सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ जो मेरा ब्लॉगस्पॉट है, यहाँ पर ध्यान से देखिए मैं इसको अंडरलाइन कर रहा हूँ, ये देखिए anuragaffection.blogspot.com। तो यहाँ पर भी मेरा नाम अनुराग अफेक्शन बुक है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, जैसे आप यहाँ पर आप देख सकते हैं YouTube पर भी मेरा अनुराग अफेक्शन है। और आप यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपको दिखाता हूँ, यहाँ पर देखिए Instagram भी अनुराग अफेक्शन है, YouTube में भी अनुराग अफेक्शन, Twitter में भी अनुराग अफेक्शन। ट्विटर में आपको अनुराग अफेक्शन नहीं दिख रहा हो, इसका मैं थोड़ा सा आपको बताता हूँ क्यों नहीं दिख रहा पूरा। और देखिए यूट्यूब पर भी मेरा कस्टम URL अनुराग अफेक्शन है, ये जो मैंने यहाँ पर ऐड कर रखा है देखिए इसको, और थोड़ा सा देखिए मेरा फेसबुक प्रोफाइल है आपको नज़र आ रहा होगा, देखिए ये मेरा इंस्टाग्राम यूट्यूब ट्विटर, ये मैंने फेसबुक पर इसको जोड़ रखा है, और ये मेरा यूट्यूब का लिंक भी, तो देख सकते हैं। और यहाँ पर बगल में भी मैं आपको एक और चीज़ दिखाता हूँ, देखिए टेलीग्राम, देखिए टेलीग्राम में भी मेरा नाम बुक है। तो मैं समझता हूँ यार कि मैं इसके लायक हूँ, एक दो जगह और भी मैंने जितने भी, जैसे टिकटॉक अगर था तो वहाँ पर भी मेरा नाम बुक था। चलिए अगर कोई भी नया प्लेटफॉर्म आता है तो आप उसे यूज करें या नहीं करें, लेकिन आप वहाँ पर अपना कस्टम URL या जो भी आपका यूजर नेम है उससे आप ज़रूर वहाँ पर बुक कर लें। आप उस ऐप को यूज करें या ना करें ये तो अलग बात है, लेकिन आप वहाँ पर जरूर यूज कर लें। देखिए ये मेरा है क्या, ये मेरा LinkedIn है, तो यहाँ पर भी देखिए आप हमको अनुराग अफेक्शन यहाँ पर मिल जाएगा। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, यहाँ पर मैंने कहा कि ट्विटर के बारे में आपको बाद में बताता हूँ। देखिए ट्विटर पर मैंने अनुराग अफेक्शन अपना नाम बुक करने की कोशिश की लेकिन हो नहीं पाया, इसका मेन कारण था यार कि वहाँ पर ना 14 लेटर से ज़्यादा मतलब नेम अगर बड़ा हो रहा था तो आपको वहाँ पर नहीं ले रहा था, और एक अनुराग अफेक्शन वहाँ ऑलरेडी बुक था तो मैंने इससे अनुराग अफेक्शन लिया। तो यार इस था, तो मैं सोचता हूँ कि मैं इसके बताने लायक हूँ, तो ठीक है बस अब मैं आपको बताता हूँ कि क्या क्या तरीके हैं। तो सबसे पहले मैं बता दूँ यार कि आप अभी तो कोई सेलिब्रिटी भी नहीं हैं, से अगर आप यूनिक नेम, अगर थोड़ा सा अलग नेम नहीं रहेगा तो आपको इनिशियली में ज़रूर प्रॉब्लम होगा। चलिए जैसे एक एग्जाम्पल लेते हैं, आपने देखा होगा कैरी मिनाटी, तो कैरी मिनाटी ये भी जो नेम है कैरी मिनाटी, तो आपको मालूम होगा ये उनका रियल नेम नहीं है, रियल नेम मुझे भी नहीं पता है, मैंने देखा था ट्विटर पर, लेकिन ये कैरी मिनाटी उनका भी रियल नेम नहीं है। एक और एग्जांपल मैं आपको देता हूँ, तो आप देख सकते हैं फैक्टेक का, फैक्टेक को अगर आप जानते होंगे, मैंने फैक्टेक को फॉलो किया है, तो वो सारे जितने भी यूजर ID यूजर्स नेम लिए हुए हैं वो फैक्टेक से लिए हुए हैं, लेकिन उनका रियल नेम है क्या, राजेश कुमार। तो आप इस कारण आपको ये मदद ज़रूर करेगा, इनिशियली में आपका अगर यूनिक नेम है तो ये आपको मदद ज़रूर करेगा। नेक्स्ट ईयर मैं यहाँ पर थोड़ा सा अपने बारे में भी बताना चाहता हूँ कि मैंने अपना नाम अनुराग अफेक्शन कैसे चूज किया। यार मैं नहीं जानता हूँ कि कैरी मिनाटी, फैक्टेक या टेक्निकल गुरुजी ने अपना ये चैनल नेम क्या सोचकर और कैसे रखा, लेकिन ये सब जो नाम है वो भी बहुत सटीक है, आप देख सकते हैं जैसे अन अकेडमी हो गया, वेदांतु हो गया, ये सब जो सारे नेम्स हैं सिंगल वर्ड्स के हैं लेकिन A1 लगते हैं, तो इस तरह के नेम थोड़ा सा आपको सोचना पड़ेगा। चलिए मैं बताता हूँ थोड़ा सा, अगर आप चाहें तो वीडियो को स्किप कर दें 2-3 मिनट, क्योंकि 2-3 मिनट मैं अपना थोड़ा सा एक पीछे का अपना स्टोरी बताने वाला हूँ, तो आप यहाँ से स्किप कर दें। तो यार मैंने क्लास 5th में अपना स्कूल मैंने जाना शुरू किया, तो मैंने दूसरा तीसरा ही पार्ट में एक कहानी पढ़ी थी, उसमें एक आया था शब्द यार अनुराग, और अनुराग जो शब्द था उसका पर्यायवाची पूछा जा रहा था, जिसको आप इंग्लिश में सिनोनिम्स कहते हैं,
वो पूछा जा रहा था और मुझे खुद भी नहीं मालूम था उसका पर्यायवाची। तो एक हमारे हिंदी टीचर्स थे, हिंदी टीचर्स मतलब तो बहुत अच्छे थे, तो उन्होंने मुझे मेरा नाम का अर्थ बताया। सर ने अनुराग का अर्थ क्या बताया देखिए मैं आपको बताता हूँ। ये देखिए यहाँ पर मैं आपको दिखा रहा हूँ, मैंने डिक्शनरी से चूज किया। ये देखिए डिवोशन निष्ठा लगन, सर ने मतलब बताया कि अनुराग भक्ति, भक्ति में जो प्रेम होता है उसे अनुराग कहते हैं। तो मैंने ये बात तो मैंने सुन भी लिया और मुझे विश्वास भी हुआ, लेकिन फिर यार थोड़ा सा और मुझे मन किया जानने का। तो मैंने हॉस्टल में आया यार, और हॉस्टल में हिंदी डिक्शनरी थी, हिंदी डिक्शनरी में मैंने अपना अनुराग को सर्च किया, हिंदी डिक्शनरी में अनुराग को सर्च किया, तब मुझे पता चला कि अनुराग का इंग्लिश अफेक्शन होता है। मैंने हिंदी डिक्शनरी में सर्च किया तो पता चला अनुराग का अंग्रेजी अफेक्शन होता है, और फिर मैंने अफेक्शन को इंग्लिश डिक्शनरी में सर्च किया। तो उस समय यार तो फ़ोन नहीं था कि मैं अफेक्शन का सारा हिंदी जान सकूं या जो भी है, लेकिन मैंने ना अफेक्शन वर्ड क्लास 6-7 तक मैंने ये जान लिया था कि मेरा नाम है अनुराग, उसका पर्यायवाची इंग्लिश पर्यायवाची अफेक्शन है। तो ये था यार थोड़ा सा स्टोरी। तो फिर इसको मैंने अनुराग अफेक्शन को इम्प्लीमेंट किया यार, क्लास 10th पास हुआ मैं। तो उसके बाद ना मुझे फेसबुक चलाना था, लेकिन इधर टीचर्स और गार्जियन से डर भी लग रहा था क्योंकि अलाउ नहीं करते थे। तो मैंने यार अपने आप में एक पापा का फ़ोन लिया और आईडी बना लिया अनुराग अफेक्शन, ताकि किसी को पता ना चले कि कौन इसे यूज कर रहा है। और मैंने इसको इम्प्लीमेंट कर दिया 2010th पास नहीं, मैंने 10th ही में था तो मैंने आईडी बना लिया था, मुझे याद नहीं आ रहा है, लेकिन हाँ 10th पास नहीं था तो उसी समय मैंने आईडी बना लिया। और मैं फेसबुक उस समय यूज नहीं करता था थोड़ा सा, क्योंकि मैं उस समय मेरे पास फ़ोन नहीं था, तो जब भी छुट्टी में आता था तो यूज करता था। तो ये था यार, तो मैंने इम्प्लीमेंट तो कर दिया था 2018 में ही फेसबुक बनाने के लिए। सबसे पहला मुझे नाम, क्योंकि मुझे अपना नाम रखना नहीं था अनुराग, तो इसलिए तो मैंने अनुराग अफेक्शन रख लिया। तो चलिए यार अब हम लोग देखते हैं कि क्या क्या ज़रूरी है आपको नाम रखने में। तो यार सबसे पहले तो आपका नाम यार होना चाहिए क्या, कि आप अपने नाम हिंदी इंग्लिश रख सकते हैं, नाम में हिंदी इंग्लिश, नाम में आप हिंदी इंग्लिश रख सकते हैं। देखिए आप हिंदी इंग्लिश जैसा जैसे आप देख सकते हैं टेक्निकल गुरुजी, तो ये गुरुजी शब्द हिंदी है, तो आप इस तरह का यूज कर सकते हैं टेक्निकल गुरुजी, तो गुरुजी हिंदी शब्द है। एक और यार मैं जानता हूँ एजुकेशन चैनल जैसे फिजिक्स वाला, तो देख सकते हैं यार फिजिक्स इंग्लिश शब्द है, और वहीं पर देखा जाए तो वाला हिंदी शब्द है। तो आप हिंदी इंग्लिश का मिक्सर बनाएंगे तो थोड़ा सा बहुत अच्छा लगेगा और थोड़ा सा सटीक अलग भी दिखेगा। नेक्स्ट हो गया है कि आप यूनिक एंड ईजी नेम रखें, ज़्यादा हार्ड नेम नहीं रखें, आप यूनिक एंड ईजी रखें। जैसा कि आप देख सकते हैं फैक्टेक है, यूनिक है, उनका सारा इंस्टाग्राम यूजर आईडी देख लीजिए, या फिर यूट्यूब URL देख लीजिए, या जो भी अदर प्लेटफॉर्म है, तो उनका ये नाम बुक है, कोई इसने पहले से यूज नहीं किया है। नेक्स्ट ईयर कि आप फाइंड करने के लिए अपना नेम यूनिक फाइंड करने के लिए, जैसा मैंने किया, मैंने डिक्शनरी में चेक किया, तो आप भी चेक कर सकते हैं अपना नाम का हिंदी मीनिंग क्या है, आपका नाम का इंग्लिश मीनिंग क्या है, तो ये भी आपको बहुत मदद करेगा नेम फाइंड करने में। ये मैं अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, मैं भी आपको मदद करे। नेक्स्ट है यार आपकी सारा अपना वेबसाइट चेक कर लें, सारा वेबसाइट चेक कर लें, और सारा पॉपुलर प्लेटफॉर्म भी चेक कर लें। जिस यूजर आईडी को आप रखने चाह रहे हैं उससे तो कोई दूसरा कोई तो नहीं है, है तो कितने नंबर में है, उसके कितने यूट्यूब पर आप देख लें कितना सब्सक्राइबर हैं, कितना वो फेमस आदमी है। तो आप पॉपुलर नेम सेम टू सेम रखेंगे तो आप नीचे भी दब सकते हैं या उनके सहारे आप ऊपर भी उठ सकते हैं। तो आपको अगर अलग पहचान बनाना है तो आपको तो यूनिक नेम रखना होगा, ऐसा नहीं कि टेक्निकल गुरुजी है तो आप भी टेक्निकल गुरुजी रख लिए और चैनल चला रहे हो, ऐसा तो आप चलेगा नहीं। तो आपको एक पर्सनल नेम चाहिए। दूसरा बात और है यार कि आप अगर वेबसाइट बना रहे हैं तो अगर आप अपने नेम से वेबसाइट या जो भी कुछ चाहते हैं तो उससे आप बुक कर लें। क्या बुक करेंगे आप, जिसे .com बुक कर सकते हैं, फिर .in बुक कर सकते हैं, ये सब वेबसाइट आप बुक कर सकते हैं, तो ये भी आपको मदद करेगा।
लास्ट में यार मैं फिर से आपको ध्यान दिलाना चाहता हूँ कि अगर आपका यूजर्स नेम सभी जगह डिफरेंट है तो आप अभी जाकर चेंज कर लें। अगर आप नया स्टार्ट कर रहे हैं तो आप ये सब स्टेप लें। और हाँ, अपना नाम का एक बार मीनिंग ज़रूर जान लीजिएगा, हिंदी और इंग्लिश में मीनिंग। मैं भी आपको मदद करें, जैसे देखिए मेरा ही नाम में इतना सारा अर्थ आ रहा है, तो आप कोई जैसा आपका भी नाम हुआ तो कोई ना कोई अर्थ आएगा, तो आप उसे ट्राई ज़रूर करें। एक बात और यार, अगर आपका भी सारे जगह डिफरेंट डिफरेंट नेम है, डिफरेंट यूजर हैं, तो आप तो भी मैंने पीछे भी बताया था कि सेलिब्रिटी तो है नहीं कि आपको मैं वो पॉपुलर टिक लगा हुआ रहेगा ताकि आप आसानी से मिल जाएँ। आपको बता दूँ, सिद्धार्थ निगम आप जानते होंगे, पॉपुलर क्रिएटर हैं, टीवी एक्टर। तो यार उनका मैं टिकटॉक पर एक बार सर्च कर रहा था तो वो भी नहीं हमको मिला, सिद्धार्थ निगम। तो यही चलते मेन पॉपुलर छोटे छोटे पॉपुलर क्रिएटर भी नहीं मिल पाते हैं, तो आप देख सकते हैं। दूसरी बात और है यार कि जैसे आपने स्टार्ट किया, आपने यूट्यूब चैनल पर स्टार्ट किया, आपके यूट्यूब चैनल पर 5 सब्सक्राइबर हैं या 10,000 जितने भी हैं, तो अगर उसमें से 10,000 सब्सक्राइबर हैं और उसमें से कोई भी लोग अगर इंस्टाग्राम पर आपको अगर खोजना चाहते हैं, यहाँ से अगर लिंक की तरह नहीं गए, कभी कभी वो मान लो इंस्टाग्राम चला रहे हैं, मन किया आपको सर्च करने का, अगर वो सर्च किए आपको नहीं मिला तो ये फिर आपको दिक्कत हो जाएगा। आपको अगर सभी जगह एक नेम रहेगा तो उन्हें सर्च करने में भी आसान होगा। मान लो फेसबुक चला रहे हैं, फेसबुक चलाते चलाते उनके मन किया चलो भाई अब हम सर्च करते हैं अनुराग अफेक्शन, तो सर्च करें तो आसानी से मिल जाना चाहिए। नहीं कि अनुराग अफेक्शन सर्च कर रहे हैं और मुझे दूसरा दूसरा का पॉपुलर में सबसे ऊपर में आ रहा है, तो ये बहुत गलत हो जाएगा यार। तो इस पर आप ध्यान रखें। जैसे देखिए अभी मेरा यूट्यूब पर मात्र 1K सब्सक्राइबर, आप जान भी रहे होंगे, और उसमें भी मैंने एक पॉपुलर वीडियो अपलोड कर दिया है सर का, तो उसके कारण है, तो आप देख सकते हैं। तो 1K है, इसके बावजूद मुझे अगर आप सर्च करते हैं गूगल पे, फेसबुक पर, यूट्यूब पर, कहीं भी तो मैं आसानी से मिल जाता हूँ, क्योंकि मेरा नाम यूनिक है। ऐसा है नहीं यार, वर्ल्ड में कोई भी नाम किसी का है भी नहीं, अनुराग अफेक्शन किसी ने रखा भी नहीं है। मैंने 5-10 अनुराग को और बताया है, मैं अब नहीं चाहूँगा कि अनुराग को इस वीडियो को देखे, तो मैंने बताया था यार। मैंने इंस्टाग्राम पर भी टैग बहुत सारा फ़ोटो किया, आप जाकर देख सकते हैं। मैंने 20 लोगों को टैग किया था, उसमें 15-20 अनुराग को ही मैंने टैग किया था, और उन्हें अफेक्शन का भी मैंने ID बताया है, हिंट दिया है। तो कुछ कुछ लोग भी रखे हुए हैं, मैं जानता नहीं हूँ, फिर भी मैंने ऐसे ही एक बार मैंने ट्राई किया था कि चलो भाई देखते हैं अनुराग अफेक्शन से कौन कौन है। तो ये मैं कभी कभी कुछ उटपटांग हरकतें करते रहता हूँ। सो थैंक यू, दिस इज़ फॉर टुडे। अगर फिर आपको कोई प्रॉब्लम हो, कुछ और चाहते हो, तो आप मुझे ज़रूर कमेंट कर बताएं, और मैं नेक्स्ट वीडियो आपके प्रोफाइल पिक्चर पर लाने वाला हूँ। प्रोफाइल पिक्चर भी आपको बहुत मदद करेगा, तो प्रोफाइल पिक्चर कैसा रहना चाहिए, क्या है, इसके बारे में नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। सो बाय बाय, दिस इज़ फॉर टुडे, थैंक यू।